हमायत है भाई, हमें नहीं पीने भज्जा, पछाई से ना डाल दीजिए तुम। काहे के एक दा का भौरा जी नीखा चढ़ो बुखार से डॉक्टर लो गई। बोली डॉक्टर साहब बहुत बुखार चढ़ो। तो डॉक्टर बोली रोद का आया हो? अरे बोली मैं ये जाया मूड के माए। तो डॉक्टर साहब बोले बोले एक काम करो, दिखाई मुझे। डॉक्टर साहब बोले एक काम करो। बोली का? एक सेकंड एली की सुन रहे तो फिर हमारी भी सुनने हैं, सोच लियो जवाब दे हम। अरे हम तो जा रहे हैं सुनबे खा, सुनाओ तो। जैसे ही डॉक्टर लोग आई तो डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी हो, बोली डॉक्टर साहब तन तन खांसी भी उठत, सोने एक शीशिया लिख दई। बोली लियो जा ले जाओ। बोली डॉक्टर साहब खाने कैसी है? बोली कैसी खाने? बोली एक गोली खा ली क्यों, पछाई से दो ठेके ले ली। अब जे घर गई सो डॉक्टर कहीं, बोली एक गोली खा के पीछे से ढोधक्कन लेना है, एक गोली खा के पीछे से ढोधक्कन लेना है। जैसे ही घर पहुंची रोटी खाई और उन्हें भाई याद आती, बोली एक गोली खा के पीछे से ढोधक्कन लेना है। सुनने जैसे ही गोली निकाली अंधा गई, अब नहीं पीछे से ढोधक्कन लेना है। सुनने नाए देखो माए देखो, कोई देख तो नहीं आओ। पछाई से दो ढक्कन डाल ली। भगवान साख इतनी माछी मैंने खेल उसी पछाई में, तनक में फिरने जब प्रक्रिया करी दो तीन दिन लगातार। तो जितने उन्ना हते वे सारे नशागर जितने जावे से उसी भूए मछों कैसी चली जावे पछाई से। डॉक्टर लो पहुंची, बोली का डॉक्टर साहब पूरी सिसिया बढ़ा गई। डॉक्टर साहब बोली आ रा 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 रा, बोली तुमने दो दिन में सिसिया खा ली? बोली आप ही तो कहते कि एक गोली खा लेना पीछे से दो ढक्कन ले लेना। बोली हम जो ही तो कहते, डॉक्टर साहब खुद मार के रह गए माथे। बोली ऐसे मरीज हुए तो कहा है ना सही होने ऐसे ही। अब हम कहे कह दू सुनने पर, जैसे इनकी बात इतने देर में खत्म हो गई और हमारी तनाव लंबी चले, सुन ले हो? लंबी नहीं लेकिन सुनो इनकी बात बता रहे। कैसे जे बहुत सूदे हैं वो इनकी घरवाली इनसे ज्यादा सूदी है, मतलब ब्लास सीधी है। बात तो है। और इनके ब्याह कम से कम नहीं तो 10-11 साल तो हो ही गए। 10-11 साल हैं कौन, हम 50 साल के हैं। अबे हमारा ब्याह बिल्कुल टना टन है, हमारा ब्याह इतने हल्के में होगा तो के हमें आज लोग पतो ही नहीं कि हमारा ब्याह भाव के नहीं भाव। अच्छा कै साल हो गए तुम्हारे ब्याह? हम जैसे ही घरे जा सो हमारा ब्याह तो घर धरू मिलत। तो जैसे ही हमने देखो कि कहो जो का धर उस हम जानत के हो गाओ कहा और ना तो जो कहा से ही आऊ तू वो पतो तुम ब्याह हो होगा तुम्हें के चक्कर खाए थे के जे सबको खा दो ही चक्कर हमने खाए सब हम, खाए हमारे तो पंडित पड़ गए थे सिर्जी, उन महाराज ने इतने चक्कर खुआए कि मई भूए आ गई हमें। सो मई के पर हमें आज लो चक्कर ही चक्कर आऊ परमानेंट। अब हमारी बात सुनो जाके। नहीं 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 देखो भूलना नहीं है, बात तो हमें करनी है। कैसे दो जन के ब्याह हुआ काफी साल लग गए लेकिन जे 21 रुपए का पुरस्कार है छोटू यादव जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनाए आप इनके आज तक दो जन के बीच में झगड़ा नहीं भाव, मतलब लड़ाई नहीं भाई, नहीं भाई झगड़ा। और जब नहीं भाव तो हम लोग अन्य सोचो कि चाहे जो हो जाए घर लड़ाई करवाओ। उन्हें सही कही, हल्ला ना करो, हल्ला नहीं करो। हमने की चाहे जो हो जाए कि घर लड़ाई करवाओ उन्हें। सो जे कभू जे कत्ते के एक काम करो, कैसे हुई है? सो हमने की तुम एक काम करो, जितना बिलात लालची हैं भैया सतीश यादव जी बहुत लालची हैं, हमने की एक काम करो इन्हें बुलाओ। हमने की देखो सरकारी एक योजना आई बहुत अच्छी, जी के घर लड़ाई होते है उनके दो बने राशन कार्ड अति गरीबी के, और जी की घरे लड़ाई नहीं होत सो जानो एक है उस सफेद वालों से वो भी रद्द हो जाने। अच्छा। सो जी यार जितना लाल जी है तो बोले यार अगर रद्द हो जाए तो फिर बड़ो लफड़ा है, फिर राशन कैसे मिले? हमारे घर तो लड़ाई हो तो ही नहीं है। हमने कि अगर नहीं हो तो कर लो एक ही देना तो लड़ाई करना और राशन कार्ड बन जाने। बोले जा बात ठीक है। अब जी कभी सब्जी नहीं ले गए घरे लेकिन उतना हिड़स के लौकी की सब्जी ले गए, और जैसे ही ले गए भैया शांत रही हूँ, जैसे ही ले गए से द्वारी में टिका दी कड़ गए नहावे के लाने के, जब मैं लौट के आओ तो सब्जी बनी ना मिले तो मैं लड़ लो। और जैसे ही टिका के चले गए घर वाली निकली बारे, उन्होंने सोची कि हो ना हो पप्पू के पापा ले आए हुए तो कहे कि हाँ ले आओ ना, सो उन्हें उठाई लौकी और आधी काटी लौकी और आधी की उन्हें बना ली सब्जी।
अब उनके दिमाग में आओ कि परमेश है सुतरी के रायतो खाने हो सो ले आओ। सो आधे की तो उन्हें लौकी की सब्जी बना ली और आधे टुकड़ा रखो तो उन्हें फिर आधो काटो सो आधे को रायतो बना लो भैया, आधे को रायते बना लो, आधे की सब्जी बना ली, आधो जो टुकड़ा बचो तू ना धाय दो। अब जे चले आते हो वहां से घर नहा धोके के जब लौकी की सब्जी तो बनी ना होती हो मुंह जाके लड़ाई कर लेने और राशन कार्ड बन जाने। और जैसी जे पहुंचे सो जन इनको हल्को सो पप्पू है सो उन्हें लई सो दे गंदगी कर दे, जे पहुंच ना पाए उन्हें लई सो लेटरिन कर दे। अब घर वाली ने सोचे कि सुनाओ कि पप्पू के पापा की आबे की टाइम है खाबे की टाइम है और जो घिनापन देखे सो पे खब ने नहीं गया सो उन्हें लई सो जन आटा मारत की कोपरिया है ती सो उन्हें मुंह में ढाक दे कि पप्पू के पापा आए हैं और खा के जब चले जे सो मैं साफ कर ले सो उन्हें ढाक रही। पप्पू के पापा आए जस्ट कोपरिया के बगल में बैठ गए बोले ले आओ बनी सब्जी रोटी के नहीं बोले बिल्कुल बन गई। सो बस सब्जी रोटी लेके आई जो इन्हें देखी कि लौकी की सब्जी बन गई इनको दिमाग खराब बोले अब्बा कैसे लड़ाई होती बताओ बनाई गई बोले काय तो से की न गई थी कि मुझे लौकी की सब्जी खाने मुझे तो राय तो खाने राय तो ले सुबह राय तो भी बना के धरे थी सुबह गई सो राय तो भले ही कटोरी में ले राय तो खा ले। अबे बाबा नहीं करो सो जब से उन्हें राय तो धर दो सो बोल इनके और तीनों पर जा खराब हो गए बोले लियो अब राय तो लो बन गो अब कैसे लड़ाई हो बोले तो से की न गई कि मुझे राय तो खाने ना तोरी सब्जी खाने मुझे ना तोरो राय तो खाने सुबह बोली तो का खाने बोले मुझे तो कच्ची लिया मुझे तो कच्ची खाने अपनी सुबह एक टुकड़ा कच्ची को भी धने थी सुबह ले आई सुन कच्ची खा ले। अब जब लोग यही खत्म हो गई सो अब कैसे लड़ाई हो इनको दिमाग ही खराब हो गए लाल पीर हो गए बोले तो से की न गई कि वो कच्ची खाने ना तोरो राय तो खाने ना तोरी कच्ची खाने ना तोरी सब्जी खाने सुबह बोली तो का खाने सुजे बोले मुझे तो ऊ खाने लिया सो ऊ बात चली सुने लई सो कोपरिया ऊ खा ली। अब इनको दिमाग खराब जे उचके और बस भागे हमारे को तो बोले रजनी उ राशन कार्ड बने या न था न बने मैं वो खावे लो तैयार हो गई तो ससरी लड़ाई नहीं भाई ऐसे हैं जे सतीश यादव जी बजाओ इनके लाए ताली। लेकिन यार हम जाके का कह रहे तुमने बहुत घिनापन फैला दो कुछ नहीं तुमने हमने अबेलो सबरेपन सुने जवानीपन सुनो बालापन सुनो बेधापन सुनो लेकिन आज इनने जो घिनापन एक और पन लगा दा तुमने अबे का करू तू तुमने का करू प्रधानन किलाने के वो है।